दोस्तों ये मच्छर कितने अनोइंग होते हैं ना, लेकिन साथ ही साथ इतने सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का भी सोर्स है। हम में से किसी को भी मच्छर पसंद नहीं, लेकिन इमेजिन करके देखो क्या होगा अगर धरती से सारे मच्छरों को ही खत्म कर दिया जाए। तो धरती पर मॉस्किटोज की 3,500 से ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें से केवल 100 स्पीशीज ही डिजीजेस स्प्रेड करती हैं। लेकिन ये 100 स्पीशीज के मच्छर ही इतने खतरनाक हैं कि इनके काटने से दुनिया भर में हिस्ट्री में इतने लोग मारे गए हैं जितने ग्लोबल वॉर्स से नहीं मारे गए। तो ऑब्वियसली बात है, आपको लगेगा कि सारे मच्छरों को पूरी तरीके से खत्म कर देना यहाँ पे एक बहुत अच्छा आइडिया। क्या ऐसा सही में है? बिल्कुल भी नहीं। मच्छर भी दोस्तों हमारे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। कई सारे चमगादड़, चिड़िया, मेंढक, ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों को खाते हैं। अगर सारे मच्छर मर गए तो हो सकता है चलो इन्हें कोई ना कोई और सोर्स मिल जाएगा अपने खाने का, लेकिन मच्छर हजारों प्लांट स्पीशीज को भी पॉलिनेट करते हैं। तो मच्छरों को एलिमिनेट करने का मतलब हुआ काफी प्लांट्स जो उस पर डिपेंड करते थे पॉलिनेशन के लिए वो मर जाएंगे। कई सारे जानवरों को बहुत मुश्किल होगी खाना मिलने में और शायद उनकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़े। और अगर आपने फूड वेब के बारे में स्कूल में पढ़ा है तो आप जानते ही होंगे कि जो इकोसिस्टम होता है वो कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता है। एक जानवर को वहां से एलिमिनेट करने का मतलब है कि हम नहीं जानते क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस इवेंचुअली जाकर होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि नेचुरल स्पेसेस में जैसे कि जंगलों में मच्छरों को सरवाइव करने दिया जाए। और अगर आप मच्छरों से बचना चाहते हैं तो या तो आइसलैंड जा सकते हैं या एंटार्क्टिका, जहां पर कोई मच्छर पाया नहीं जाता।